हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। मैं हूँ मीनू और मीनू गौर ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब आज क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूरा फेस कवर करके आप क्लीनिंग ब्लॉग बनाइए, तो उसी के लिए मैं आज अपना ये देखिए पूरा फेस कवर किया हुआ है मैंने पूरा, और टाइट करके मैंने यहाँ पर अपना फेस को फुल कवर कर लिया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आज लेकर आई हूँ ब्लॉग लोअर और टी शर्ट में, और फुल कवर किया है मैंने फेस को। तो आप लोगों को दिख ही रहोगा कि मुझे बहुत टाइट लग रहा है, क्योंकि मैंने अपना फेस कभी कवर नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं फेस कवर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिएगा आप लोग। तो भी विंडो को मैं क्लीन करूंगी क्योंकि ये काफी गंदी हो रही है। काफी धूल हो रही है, बहुत ज्यादा धूल है विंडो पर। मैंने जबकि 2-3 दिन पहले ही इसको क्लीन किया था, उसके बावजूद भी इतनी सारी धूल मिट्टी हो रही है बहुत। ऊपर की विंडो को करूंगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर रख लेती हूँ चेयर। ऊपर वाली मुझे करनी है साफ, तो उसके लिए रखी है मैंने नीचे चेयर। बहुत धूल हो रही है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको क्लीन किया था, उसके बावजूद भी इतना सारा धूल मिट्टी इतना पॉल्यूशन रहता है बहुत ज्यादा, और जो इतनी धूल हो रही है। एक फायदा है फेस को कवर करने से कम चलो धूल मिट्टी अपनी नोजी ना माउथ में तो नहीं जा रही ना। इसकी धूल मिट्टी मैंने क्लीन कर दी है, और इसको अभी थोड़ी देर में मैं इसको पानी से भी वॉश कर दूंगी। तो इसमें थोड़ा सा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको क्लीन किया था, उसके बावजूद भी इतनी सारी धूल हो गई इसमें। कर्टेन मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को देखा था पीछे वाली वीडियो में, मैंने तभी इसको क्लीन किया था। सारा रूम इसमें 2 दिन पहले ही सारा साफ किया था रूम, 2-3 दिन हो गए उससे पहले मैंने साफ किया था। तो चलिए, मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी और अभी लगाती हूँ मैं पोछा। इस टाइल्स की एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता हो, आप इसमें पोछा लगा दो झाड़ू लगा दो और आफ्टर 10 मिनट्स के बाद में आपको इतनी धूल दिखाई देगी, छोटे छोटे से बाल वगैरह होते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर इसमें गिर जाती है ना वो क्लियरली दिखाई देती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कि पूरा दिन अगर आप इस
साफ ही करते रहो, कितना भी साफ कर लो 10 मिनट के बाद में आपको छोटे छोटे से कूड़ा वगैरह आपको यहाँ ना दिखता ही रहेगा। इस टाइप की ये सबसे बेकार चीज मुझे लगती है, कितना भी आप इसको क्लीन कर लो साफ कर लो उसके बावजूद भी हल्का हल्का कूड़ा इसमें दिखाई रहता ही है। अभी मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया ना, इसके थोड़ी देर बाद ही देखना कितना अभी इसमें ये देखो थोड़ा सा है ना वहाँ। आधा मैंने उधर से क्लीन कर दिया है और आधा रूम उधर से हो गया मेरा क्लीन, इधर से आधा सा थोड़ा मेरा पोछा और रह गया, इसको मैं यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। और मैंने आज थोड़ा सा ना इसमें डाला था फिनाइल, क्योंकि किसी दिन मैं फिनाइल डाल देती हूँ तो किसी दिन मैं इसमें लाइजल वगैरह यूज कर लेती हूँ, तो कभी कोई चीज़ तो दो चीजें उधर रहती है ना तो फिर अच्छा लगता है। जैसे भी हो आप इन चीज़ों को हमेशा पोछे में डालकर लगाओ तो थोड़ा सा स्मेल भी रहती है और अच्छा भी रहता है, कोई भी चीज़ नीचे गिरती है वगैरह तो वो ठीक रहता है। आज का जो चैलेंज था फ्रेंड्स फेस कवर करके, वो जैसे कि आप लोग क्लीनिंग कर रहे हो साफ सफाई कर रहे हो उसके लिए बेस्ट है। तो जैसे कि हम कोई भी फैन वगैरह है जाले वगैरह उसको क्लीन करते हैं तो उसमें जो है फेस को कवर करके रहते हैं, किसी किसी को एलर्जी होती है धूल मिट्टी से किसी चीज से, तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये, अच्छा लगता है। और आज मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए उस पर मैंने आज ये किया है, तो मुझे भी ये अच्छा लगा है। ये वाला ये आप लोग देख रहे होगे ना, ये मैंने लिया था मार्केट से लिया, जब मैं एक बार मार्केट में गई थी तो वहां मैंने ये देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में आप इसको ना ऑनलाइन खरीदो या फिर मार्केट से किसी भी शॉप से खरीदोगे तो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन मैं जैसे जा रही थी मार्केट तो वहां रास्ते में मैंने इसको देखा था तो मुझे पड़ा था ये 150 का, काफी साइज में भी ये बड़ा है और इसका कलर जो है उसका जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छा लगा है, जैसे बेड के नीचे या फिर कहीं भी आप इसको कारपेट को बिछा दो बहुत ही प्यारा कलर आता है इसका, और देखने में रूम में आप बिछाओगे ना बेड के या फिर कहीं भी बहुत प्यारा लगता है। मैं जब लेके आई थी तो मैंने दिखाया था सभी को, तो सभी लोगों को ना इसको पसंद आया था बहुत ज्यादा। तो कमेंट्स में प्लीज मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं लेकर आऊँ वो किस चीज का लेकर आऊँ, तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए मैंने यहाँ पर रूम को कर दिया है एकदम साफ, और आज का जो मेरा रूम का क्लीनिंग था वो मेरा कंप्लीट हो गया है।
और आप लोगों को फुल फेस कवर के साथ में आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल पर कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, देखते हैं, बाय बाय।